तो आइए आज हम आप लोगों को अवलोकन करवाएंगे प्रयागराज के संगम क्षेत्र अंतर्गत यमुना नदी के किनारे बना राजा अकबर का किला। किले के अंदर ऐसा क्या रहस्य है जिससे आए दिन पर्यटकों का तांता लगा रहता है, आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा राजा अकबर के किले के अंदर और जानेंगे किले के अंदर बहुत सारी रहस्यमयी गतिविधियों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में, लेकर चलते हैं आपको सीधा किले के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में, जहां पर आपको बता दें कि गंगा यमुना सरस्वती जहां पर त्रिवेणी संगम है, तीनों नदियों का विहंगम है, वहीं पर यमुना के किनारे और गंगा और यमुना के कॉर्नर में बसता है राजा अकबर का किला। इसका इतिहास बहुत पुराना है और इसके अंदर जो है कुछ मुख्य जो है पर्यटन के स्थल हैं, जैसे कि पतालपुरी है और इस तरह तमाम जगह हैं जिनके बारे में हमें खुद पता नहीं है। तो आज हम इसका पूरा इतिहास आप लोगों के सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इसका इतिहास क्या है और इसकी प्रसिद्धि क्या है, कितना ज़्यादा मान्यता लोग इसे देते हैं और कितना ज़्यादा यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए जो दार्शनिक हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे आज हम आपको सीधा रूबरू करवाएंगे, तो आप हमारे साथ खबरों में बने रहिए। तब तक हम यहाँ पर मिलाते हैं हमारे साथ कुछ पुजारी लोग साथ में हैं जो यहाँ पर निरंतर रहते हैं और यहीं पर जो है रहते हैं हमेशा, तो उनसे हम लेंगे जानकारी किले के बारे में, किले से संबंधित जो भी जानकारी है हम उनसे लेंगे। और हमारे साथ ये कुछ देख रहे हैं नवयुवक हैं जो घूमने आए हैं, दर्शनार्थी हैं, तो इनसे भी हम जो है जानकारी लेंगे कि दरअसल जो महाराजा अकबर का किला, इसका इतिहास क्या है और इसकी प्रसिद्धि क्या है, क्या है इसकी ख्यात। तो बहुत सारी बातें हैं, सुनिए आप श्रवण कीजिए। तब तक हम मिलाते हैं यहाँ पर हमारे साथ एक पुजारी जी हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? ये हमारा नाम सुशील कुमार योगेश्वर। कब से आप यहाँ पर हैं? हम तो बचपन से हैं यहाँ से। बचपन आपका यहीं बीता है? बचपना यहीं बीता है। क्या जानते हैं आप इस जगह के बारे में? राजा अशोक का किला है। राजा अशोक का किला? जी। वो कैसे? जब राजा अशोक आए थे इस किले की नींव रखी गई थी जी। जब ये किला खुला हुआ था, पहले ये किला नहीं था, ये पहले अक्षयवट का पेड़ था, एक विशाल वृक्ष था, ये गंगा किनारे तक फैला हुआ था। जब अकबर आए तो उन्होंने देखा कि इस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके भक्तगण अपने ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे और इस वृक्ष उनको सताया जाता था, तो इस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके इस गंगा किनारे, गंगा के अंदर कामकूप एक कुआं था, अंदर जाएंगे तो आप एक कामकूप तालाब पाएंगे, तो उस कामकूप के अंदर जो भी भक्तगण आते थे और उनको सताया जाता तो इसी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके, छबर पेड़ के ऊपर चढ़ करके इस वृक्ष कामकूप के अंदर छलांग लगाते थे। तो कुछ लोग पत्थर में गिरते थे, कुछ लोग कुएं के अंदर गिरते थे, जो कुएं के अंदर गिरते थे उनको मोक्ष प्राप्त होता था और जो बाहर गिरते थे उनका हाथ पैर भंग टूट जाता था, दिव्यांग हो जाते थे, तो यहाँ पर आकर के तपस्या करते थे। जब अकबर आए तो इस किले को उन्होंने निर्माण करवाया, तो अकबर ने देखा कि जो भी भक्तगण आते हैं अक्षयवट का दर्शन करने के लिए और इसका उनको सताया जाता था, तो इसी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके इस कामकूप के अंदर छलांग लगा देते थे, तो उनको मोक्ष को प्राप्त होता था। तो अंदर जाएंगे तो आप एक कामकूप तालाब भी पाएंगे, अक्षयवट से घिरा हुआ नीचे है जी सर। अच्छा, इस कामकूप तालाब अक्षयवट के जहाँ वृक्ष मूल जड़ है उस वृक्ष के सामने देखेंगे तो आप लाल रंग का धारी देखेंगे, उस लाल रंग के धारी के अंदर कामकूप तालाब था, उस कामकूप को अकबर ने ढकवा दिया, ढकवा करके इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो मंदिर का निर्माण कराने के बाद जब उन्होंने देखा कि जोधा भाई हिंदू धर्म को मानती थी, जोधा भाई ने 44 मूर्तियों को ऋषि मुनियों की स्थापना करा करके इस मंदिर का नाम रखा गया अक्षयवट पतालपुरी मंदिर। ये चार युग का इस वृक्ष के, इस मंदिर के अंदर चार युग का अमर पेड़ है जी। सतयुग में ब्रह्मा जी ने इस वृक्ष को काट के तीन जगह लगाया था। पहला मूल जड़ आपका प्रयाग में मिलेगा,
दूसरा गया में और तीसरा जगन्नाथ जी पुरी में मिलेगा। तभी से हमारे हिंदू धर्म में जो भी भक्तगण माघ महीने में या ऐसे आते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं उनको मन वांछित फल प्राप्त होता है। अब आप अंदर चलेंगे, हम अंदर के विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे। ये पुजारी जी हैं, जैसा कि इन्होंने बताया और आपने सुना भी कि ये इनका बचपन बीत गया है, बचपन से जो है यहीं पर निवास कर रहे हैं और इसके बारे में जो है इनको भली भांति जानकारी है। और जैसे कि इन्होंने एक बात बताई कि हम जानते हैं और आम लोग भी, कुछ लोग ज़्यादातर राजा अकबर का किला इसको जानते हैं, राजा अकबर के किले के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी बीच में इन्होंने एक बात बताई कि अशोक का किला है। जी, अशोक का किला है, कैसे है, तो कैसे ये बात सामने जो आ रही है? अशोक ने इस किले की नींव रखी थी। अच्छा, सम्राट अशोक ने इस किले की नींव रखी थी। फिर उसके बाद अकबर का किला, ये कैसे जाना जाता है? जब अकबर आए तो अकबर ने इस किले को पूरा निर्माण कराया था, पूरे किले का ये निर्माण अकबर के द्वारा हुआ। तो तब से ये अकबर का अकबर पतालपुरी मंदिर कहलाने लगा। चलिए ठीक है, तो इस किले से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं जिससे हम आपको अवलोकन करवाएंगे। अभी आप देखेंगे कि इस किले के अंदर कितने बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं और इस किले का पूरा रहस्य क्या है। तो बहुत सारी जो है बात गतिविधियां हैं इस किले की, तो अभी पुजारी जी हमारे साथ चलेंगे तो हम साथ में चलकर पूरा अवलोकन करूँगे। यहाँ पर हमारे साथ देख सकते हैं कुछ दर्शकगण हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर, हम इलाहाबाद में रहने वाले हैं, जो कि हमारा मूल निवास है प्रतापगढ़। अच्छा अच्छा, तो यहाँ इलाहाबाद में गंगा जी के दर्शन के बाद अशोक वृक्ष जो है उसका दर्शन करने के लिए यहाँ पर हम लोग आते हैं। अशोक वृक्ष? हाँ, अशोक वृक्ष जो बट वृक्ष है, इसी की जड़ें शायद यहाँ से हटकर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, इस तो ऐसा दिव्य वृक्ष है क्या? यही दिव्य वृक्ष जो अंदर है अशोक बट वृक्ष, वो अभी दिखेगा। अच्छा अच्छा, और क्या जानते हैं आप लोग इसके बारे में? इसके बारे में हम लोग जानते हैं जैसे कि हमारे गंगा जी का है दर्शन, इनको साल भर में एक बार दे। बगल में हनुमान जी का बड़े मंदिर है, तो लेटे हनुमान जी हैं, उनको एक बार साल भर में स्नान करवाती हैं। स्नान करवाने के बाद देख नहीं पाता है, कब स्नान करवा देती हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जितने पुजारी लोग हैं, पुजारी लोग बहुत किए, कोशिश किए कि हम देख लें बजरंग बली को स्नान कब नहलाते हैं गंगा मैया, लेकिन बहुत सारा रात सारे दिन। आपका क्या नाम है? विवेक यादव। कहाँ से हैं? भदोही जिले से। भदोही से हैं? क्या जानते हैं आप यहाँ के बारे में? बस वही गढ़ वृक्ष के बारे में जानते हैं, बस उसी का दर्शन करने के लिए। आप लोग कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से हैं जी। प्रतापगढ़ से यहाँ दर्शन करने आए? यस। क्या बात है, देख रहे हैं कि दूर दराज से लोग चलकर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हकीकत में ये एक इतिहास है। चलिए ठीक है, आप लोग जो है मतलब इतनी दूर से चलकर जो यहाँ पर आते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या देखने को मिलता है? मतलब कितना ज़्यादा उत्साह, कितना ज़्यादा जुनून, और क्या दिमाग में चलता है कि हम ये जो है पुरानी जो धरोहर है एक प्रकार से कहें कि उस समय की शिल्प क्या कला जो होती थी वो किस तरह की होती थी, बनावट किस तरह की है, और जो दीवार है जो उसकी इतनी चौड़ी इतना मजबूत जो ये बना हुआ है, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? सर, यही पुराना किला, पुराने जमाना किला, इसी के देखने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। जी सर, मैं भी प्रतापगढ़ से, राहुल सिंह नाम है मेरा। अच्छा, प्रतापगढ़ से हैं आप? जी जी। तो कुल मिला के स्टूडेंट है आप लोग? हाँ जी। ये देख रहे हैं ये स्टूडेंट हैं और वहाँ से जो है ये घूमने आए हैं, और निरंतर हमारे साथ आप बने रहिए खबरों में। तब तक हम तो ये देखिए हमारे साथ ये भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार। कहाँ से मुन्ना जी? गोपालगंज, बिहार। बिहार से आए हैं, गोपालगंज। क्या बात है, क्या जानते हैं आप प्रयागराज के बारे में और इस किले के बारे में? इस किले के बारे में अभी बाबा साहब ने बताया कि इसकी जो वृक्ष वट की जड़ें थी उसके बारे में बताया, तो उसके बारे में नॉलेज है। इसके पहले हम कुछ नहीं जानते थे। स्टूडेंट हैं आप? जी। यहीं पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, घूमने के लिए आए थे यहाँ पे, स्टूडेंट हैं। देख सकते हैं ये बिहार से चलकर आए हैं, और पता नहीं बिहार की बात तो छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ पर आते हैं। देखते हैं कि ये एक इतिहास है, हम बता दें बहुत ही पुराना इतिहास है, जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया कि ये महाराजा अशोक की जो है, अशोक सम्राट जो थे उनकी रखी नींव है, और फिर महाराजा अकबर ने इसको बनवाया, उसके बाद जो उनकी धर्मपत्नी थी जोधा बाई, तो वो हिंदू धर्म से जो है संबंधित थी, तो उन्होंने अपने हिंदू रीति रिवाज के तहत जो है इसमें अक्षय वट नाम का एक वृक्ष है और यहाँ पर उन्होंने उसका अनावरण किया, तो उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है दूर दराज के दर्शनार्थी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं अपनी आस्था लेकर। तो अभी हम पुजारी जी के साथ
साथ सीधा चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि अंदर की क्या है जानकारी और क्या नज़रिया है अंदर का और किस बात से जो है यहाँ पर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और जिससे कि यहाँ पर जो है लोगों के आने। चलिए ये देखिए, ये अब हम पुजारी जी के साथ चल दिए हैं और लेकर चल रहे हैं। महाकाल भगवान विष्णु माँ दुर्गा का, अच्छा पहला पूजन होता है, ये प्रवेश द्वार है। अच्छा ये प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है। राजा अशोक का किला, ये अकबर का किला बोला जाता है। राजा अशोक ने इस किले को नहीं रखी थी, अकबर ने इस किले को बनवाया है। ये धर्मराज दृष्टि है, पांचों पांडव को बड़े भाई। आ जाइए ऐसे कैमरा मैन से कहीं थोड़ा आगे आकर। ये जो है अकबर के जोधा भाई के समय की है, अकबर के जमाने की। अच्छा जितने भी आप नक्काशी देखेंगे सब अकबर के जमाने की, सब अकबर के समय की। तो आप जो है देख सकते हैं कि ये जो है इस वक्त उस समय लालटेन वगैरह चलता था, यह अंधेरा रहता था। अच्छा। जैसे जैसे विकास हुआ उसी तरह से यहाँ पे मंदिर में बिजली लाइट का व्यवस्था किया गया आम जनता के लिए, सुविधा के लिए कि आम जनता परेशान न हो इस जगह में। किसी प्रकार का आज तक दुर्घटना नहीं हुई मंदिर के अंदर। जो भी भक्तगण आते हैं प्रेम से और श्रद्धा से दर्शन करते हुए अपने घर को जाते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। चलिए ठीक है, हम आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए ये अन्नपूर्णा भगवान माता है, अन्नपूर्णा माँ अन्न को देने वाले, अन्न भंडार भरने वाले अन्नपूर्णा माँ, नारायणी देवी बहन, ये है विष्णु भगवान। नाम बताओ। ये है लक्ष्मी माता, भैया ने 10 रुपए का दान दिया है। लक्ष्मी माता दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते हुए। तो दान से ये है गणेश। नाम बताओ भैया। ये गणेश जी, शंकर ने 10 रुपए का दान दिया है। अष्टभुजी गणेश। अच्छा अच्छा कौन से हैं? अष्टभुजी गणेश, अष्टभुजी विनायक गणेश। ये अष्टभुजी गणेश है। अगर हम पंडित जी बात करें तो ये जो मूर्तियां हैं जो आप अवलोकन करवा रहे हैं तो ये पुराने समय से अकबर समय की है। उसी समय से, उसी समय यानी कि महारानी जोधाबाई, जोधाबाई के समय, तो वो ही जो है इसको रखी थी। हाँ जी। चलिए ठीक है, तो चलो वेद को इन्होंने लिखा था, महाभारत का रचयिता इन्होंने की। ये वेद व्यास, चारों वेद को लिखने वाले, हिंदू धर्म को बचाने वाले, जब महाभारत शुरू हुआ था तब इन्होंने चारों वेद को लिखा था। ये जी वेद व्यास मुनि, जी वेद व्यास मुनि। ये वेद व्यास जी जो महाराज हैं, क्या जानते हैं आप? ये चारों वेद के रचयिता है, महाभारत को इन्होंने ही रचा है। अच्छा, इन्होंने महाभारत को बोला है और गणेश के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, इसीलिए चारों वेदों के ज्ञाता है। इन्होंने ही शिव महापुराण भी लिखा है, इन्होंने ही गरुड़ पुराण भी लिखा है, इन्होंने कई पुराणों का वर्णन किया है, इसीलिए इनको चारों वेद को ज्ञाता कहा गया है। चारों वेद का ज्ञाता कहा गया। ये चलिए ये देखिए, अब हम फिर से पुजारी, ये देखिए सत्य सत्य आना, ये देखिए ये देख सत्य का पाप आ जाए। अच्छा अच्छा, जब पार्वती अपने पिता के यज्ञ में गई थी, जब उनका बहिष्कार किया गया था, तो भगवान शंकर जब उनका अंग लेके चले थे तो माता सती का यहाँ पैर गिरा था, यहाँ पर गिरा। ये सिद्ध पीठ है। अच्छा ये सिद्ध पीठ। हाँ। और ये है आधा गौरी आधा शंकर, अर्ध नारीश्वर अर्ध नागेश्वर महादेव। ये है दुर्वासा ऋषि जो अपने जीवन काल में शकुंतला को श्राप दिया था। ये दुर्वासा ऋषि हैं जिन्होंने श्राप दिया था, बता रहे हैं। ये है वाल्मीकि मुनि जिन्होंने रामायण के पूरा वर्णन किया था, रामचरितमानस का वर्णन किया है, वाल्मीकि मुनि। तब हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन इस मेले का उद्घाटन कराया, उन्होंने शुभारम्भ कराया। आज तक उन्हीं के द्वारा जो भी कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है, हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन का देन है, जो प्रयाग में और हरिद्वार में उज्जैन में आपका जो है कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है। ये राजा हर्षवर्धन है जी, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, इन्हीं के नाम से प्रयागराज जाना जाता है, इन्हीं का नाम से प्रयागराज को जाना जाता है। अच्छा प्रयागराज का इतिहास क्या है महाराज? प्रयागराज में जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिलाप होती हैं, उन्हीं को बनाया गया प्रयागराज। तो आइए और आगे चलते हैं। कौन है? बाबा बैजनाथ। ये बाबा बैजनाथ। हाँ ये बाबा बैजनाथ है। चलिए ये देखिए, हम निरंतर आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। ये सभ्यता काल की मूर्तियां हैं, ये सभ्यता काल की। ये जो आप निकासी देख रहे हैं अकबर के समय की है। ये सब हाँ, कहीं भी आप चूना राजी का ढोल नहीं पाएंगे। ये देखिए पूरा, आप जब मंदिर का निर्माण कराया था राजा अकबर ने,
तो उन्होंने हाथी के द्वारा 6-6 फुट का खंभा मंगवा करके इस खंभे को खड़ा करके सभी को एक दूसरे से जोड़ते हुए तब मंदिर का निर्माण कराया था। यह है ब्रह्मा विष्णु महेश पाताल की मूर्तियाँ है। ये है एक तरफ दानव एक तरफ देवता जब समुद्र मंथन करते थे समुद्र मंथन का ये चित्र है। चलिए ठीक है। यह गौरी माता गौरी और शंकर जी शंकर और पार्वती सनातन धर्म से कार्तिकेय महाराज। ये कौन है? शंकर जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय महाराज। ये इधर कार्तिकेय जी हैं। आप देख सकते हैं अब आप लोग मेन जगह पे आ गए हैं। अच्छा तो ये हम पहुंच चुके हैं। आप जगह मेन जगह पे आए हुए हैं। जब सतयुग में भी अक्षयवट का वृक्ष था त्रेता युग में भी था अक्षयवट और द्वापर युग में भी अक्षयवट का वृक्ष था और कलयुग में भी अक्षयवट का वृक्ष है। तो कलयुग में जो भी भक्तगण दर्शन करते हैं उनको मन वांछित फल मिलता है। ये सतयुग में ब्रह्मा जी ने इस वृक्ष को काट के 3 जगह लगाया है। पहला मूल जड़ आपका प्रयाग में मिलेगा, दूसरा गया में, तीसरा जगन्नाथ जी पुरी में। इस अच्छा वृक्ष की जड़ जी सर 3 जगहों पर, 3 जगह पे ब्रह्मा जी ने इसको काट करके 3 जगह लगाया। पहला प्रयाग में मूल जड़ मिलेगा, दूसरा गया, तीसरा जगन्नाथ जी पुरी में, चौथी जगह पूरे भारत में नहीं है। इस वृक्ष में देखेंगे भारत में नहीं है। ये देख लीजिए कैमरामैन सकेंगे थोड़ा आगे बढ़कर दिखाएं और अवलोकन करवाएं जूम करके कि किस तरह है। ये देखिए ये अच्छा है वट जो कि हम बात करें तो जो महाराजा अकबर का किला है जो जिसको जो है लोग अच्छा वट ज्यादातर ध्यान आकर्षित होता है जब लोग अच्छा वट का नाम सुनते हैं। जहाँ पे भगवान राम ने इसी जगह अपने पिता का पिंडदान किया था जी इस जगह पर इस समय त्रेता युग में। अच्छा उस तरफ बाएं तरफ जो है आपके जी जमुना जी बहती थी और दाहिने तरफ गंगा जी बहती थी। अच्छा तो भगवान राम को जब पता चला कि हमारे पिता का कर्म कांड बाकी तो भगवान राम मार्कंडेय ऋषि को लेके आए और इसी वृक्ष के नीचे गंगा किनारे बैठ के अपने पिता का पहला पिंडदान इसी वृक्ष के नीचे किया था। तभी से अच्छा वट के नाम से मशहूर है। अच्छा ये अगर हम बात करें तो जो राजा अकबर का किला है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं तो सबसे प्रसिद्ध और सबसे जो मतलब दार्शनिक स्थल है वो हमें लगता है अच्छा जी इसी यही जो है इसी का इसी के लिए इसीलिए आते हैं भक्तगण दर्शन करने जी। किले ये देख सकते हैं ये है अच्छा वट का वृक्ष जी। 11 महीना ब्रह्मा विष्णु महेश जी ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार अच्छा और भगवान विष्णु भगवान गया जाएंगे आप एक चरण पाएंगे यहाँ भगवान विष्णु का दोनों चरण का दर्शन होता है और ये बजरंगबली विराजमान होते हैं यहाँ पे। अगर ये इन जड़ों की बात करें तो ये जड़ें ऊपर से आती हैं ये सब पूरी जड़ें आपको जो वृक्ष है छोड़ रही है इसका ये नीचे इसका नीचे से ऊपर जाता ये है नीचे से ऊपर जाती है ऊपर जाती है ये मूल जड़ है। किले भगवान राम ने मूल जड़ के नीचे ही विश्राम किया था 3 दिन 3 रात। नहीं हमने ये सोचा कि जैसे कि आप देखते हैं बरगद का जो अच्छा वट जो वट होता है बरगद का पेड़ बहुत होते हैं जंगल में जो जंगल में होते हैं उसका शोर निकलता है इसका शोर नहीं निकलता। ये खाली जड़े हैं जी सर ये सिर्फ ओनली जड़े जी फूल पत्ती इसमें कुछ नहीं है। इसका ऊपर आप चलेंगे तो देखेंगे अच्छा वट का जो वृक्ष है उसमें कोई शोर नहीं लटकता है। अच्छा हाँ जैविक वृक्ष है आज ये जैविक वृक्ष है जीवित है जीवित है जीवित है आज भी जीवित है लेकिन इसमें ऐसे देखिए ऊपर देखिए ऊपर देखिए पूरा वृक्ष ऊपर है जीवित है जी और ये वृक्ष ये इसकी जड़ें ये नीचे से आप देख रहे हैं किस तरह से जो है इसकी जड़ें जाती हैं। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे छोर यहाँ पर भक्त कितने हैं एक बार कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा अवलोकन करवाएं कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है लोगों की ताता लगा हुआ है किस तरह से लोग यहाँ पर जो है उपस्थित हैं। तो अब हम आगे चलेंगे और आगे जो है आप लोगों को अवलोकन करवाएंगे आगे दिखाएंगे अब आप लोगों को कि और यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो ज़्यादा सती अनुसुईया माता ये सती अनुसुईया माँ जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु को अपने तपोबल से बाल रूप बना करके अपने स्तन पान कराया था सती अनुसुईया माँ। चलिए ठीक है ये ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी
ये काशी विश्वनाथ। अच्छा ये कैमरामैन से कहेंगे विश्वनाथ कहते हैं ये शिवलिंग इतना था। अच्छा अच्छा माघ महीने में जब सूम मारी मार पड़ता तो ये तिल तिल करके बढ़ता है। अच्छा तो आज ये इतने बड़े शिवलिंग हुए हैं। हाँ जी ठीक है। ये काली के पुत्र काल भैरव जी। ये काली के पुत्र काल भैरव कुत्ते की सवारी है। काली के पुत्र काल भैरव बहुत ही अलौकिक बहुत ही बहुत ही सुंदर नजारा है। ये है ललिता माता। कहते हैं माता सीता सती ने भगवान शंकर जब उनका अंग लेके चले तो यहाँ उनका अंग गिरा तो तब इनका नाम पड़ा ललिता माता। चलिए ठीक है। ये है गंगा माँ। ये गंगा माँ। ये गंगा माँ ये देख लीजिए हम आ गए अब गंगा माँ। यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी तीनों का आप दर्शन करेंगे जी। देखिए ये जो आप लाल रंग का कुआं देख रहे हैं ये देखिए जो लाल रंग का आप ढाई देख रहे हैं ये बहुत बड़ा कामकूप है। ये बहुत बड़ा कामकूप था। इसी कामकूप के अंदर यही है कामकूप इसी काम कामकूप के अंदर जो भी भक्त आते थे और इस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके इस कामकूप के अंदर छलांग लगाते थे और उनको मोक्ष को प्राप्त होता था। ये तो है कामकूप जैसा कि हम आपको लोकन करवा रहे हैं। को ढकवा दिया है ये ढका हुआ पाठ है। ये मतलब यहाँ पर कूप था पहले आज भी कूप है। आज भी कूप है हम आपको बताएं दिखाएंगे। अच्छा अच्छा वो दिखेगा वो जी। अरे चलिए ठीक है ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम नरसिंह ये नरसिंह अवतार है इधर कहेंगे एक बार दिखाएंगे करते हुए महिला की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु का अवतार जी। ये भगवान विष्णु का अवतार है। हिरण्यकश्यप का वध करते हुए नरसिंह अवतार लिए थे। सारी मूर्तियाँ जोधा भाई जी की समय जोधा भाई की सर। ये है सूर्य नारायण भगवान। ये है सूर्य नारायण जिसका हम लोग सुबह सुबह नमन करते हैं सूर्य नारायण भगवान। ये है सरस्वती माता विद्या बुद्धि ज्ञान को देने वाली सरस्वती माँ। चलिए ठीक। ये देखिए रामचंद्र जी के मंत्री हैं जामवंत। रामचंद्र जी के मंत्री जामवंत। अच्छा ये जामवंत है राम जी के मंत्री। अब ये है यमुना माता यमुना माँ। यमुना माँ और ये है गुरु गोरखनाथ। ये गुरु गोरखनाथ जी इन्हीं ये पूरे प्रयाग के राजा हैं गुरु गोरखनाथ। हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी आए थे इनका पूजा पाठ किए। इनका बहुत बड़े भक्त थे और नाथ संपदा इन्हीं से शुरुआत हुई थी। ये गुरु गोरखनाथ। ये है गुरु गोरखनाथ। आइए आगे चलते हैं। ये सती अनुसुईया के पुत्र हैं दत्तात्रेय। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है और आगे बढ़ते हैं। जब भीष्म पितामह महाभारत में युद्ध करते समय बाढ़ सैया में लेटे जब उनको प्यास लगी थी तब अर्जुन के द्वारा बाढ़ मारा गया था तब से इनका ये है बाण गंगा। ये देखिए ये वो स्थान है जब भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर लेटे थे तो उस वक्त जो है अर्जुन ने बाण मारा था जिससे उत्पन्न हुई बाण गंगा। तो ये बाण गंगा है आप देख लीजिए और इधर देखिए ये सत्यनारायण स्वामी। सत्यनारायण स्वामी है जिनकी कथा लोग सुनते हैं जिनके हम लोग घर में कथा भागवत सुनते हैं। हाँ। और बनिए गए बनियों को जब बनिया व्यापार करके नदी पार कर रहा था तो दंडी स्वामी का रूप ले करके इन्होंने बनियों को ठगा था। अच्छा, सत्यनारायण स्वामी। सत्यनारायण स्वामी जी ये आप शनिदेव का जोत देखेंगे अखंड जोत जलता रहता है ये बुत्ता नहीं है। ये देख लीजिए ये अखंड जोत है और ये इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पर और इधर दिखाएं एक बार शनिदेव का अवलोकन करवा दीजिए और यहाँ से शनि ये किस तरह से कहते हैं शनि को पीछा भारी होता है। अच्छा अच्छा शनि में जो दान करता है वही दान तेल में जलता है। तेल में जलता है चलिए ठीक है आइए हम आगे बढ़ते हैं। मार्कंडेय ऋषि। ये मार्कंडेय ऋषि इन्हीं को अमर का वरदान मिला है। अमरता का वरदान इन्हीं को मिला है मार्कंडेय ऋषि जी। ये अमर है इनका किसी युग में ना मृत्यु नहीं है। कलयुग में जब महाप्रलय होगा तब इनका मृत्यु होगा। ये है मार्कंडेय ऋषि। ठीक है ये देखिए माता सीता भगवान राम और लक्ष्मण तीन दिन तीन रात विश्राम करने के पश्चात पुत्र प्राप्ति करने के लिए यहाँ पे
जब वन को जाने लगी थी चित्रकूट धाम के लिए, तब माता सीता ने अपने दाहिने हाथ का कंगन इस गुप्त के अंदर दान किया था पुत्र प्राप्त करने के लिए। अच्छा, और यहाँ पर जो भी भक्तगण गुप्त दान करते हैं और मांगते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। चलिए, यह शूलकटेश्वर महादेव जब औरंगजेब आए थे तो इस शिवलिंग के ऊपर आरा चलाए थे, आरा चला दिया औरंगजेब ने। तो आप देखेंगे एक तरफ खून की धारा बही हुई है, दूध की धारा है, एक तरफ खून की धारा है। देखिए एक तरफ कटा भाग है, एक कट ऐसा है, देख लीजिए ये कटा भाग है और ये इधर दूध की धारा है, ये देख सकते हैं। ये है पार्वती गणेश, सुहाग की रक्षा करने वाली पार्वती गणेश जी। हाँ, पार्वती माँ है जो अपनी गोद में जो है श्री गणेश को लिए बैठी हैं, और ये हमारे ये बेनी माधो महाराज नाम से जाना जाता है, ये पूरे प्रयाग के राजा है, पूरे प्रयाग की रक्षा करते हैं ये। जी जी, ये है बेणी माधव, ये है बेणी माधव। आप देख लीजिए, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं बेणी माधव के बारे में, तो ये है बेणी माधव वास्तव में अग्निदेव। अच्छा, ये देखिए ये है पवन देव, ये पवन देव जी। लेकिन इनकी सवारी इसका भेड़ की है, भेड़ की सवारी पवन देव जी की, ये पवन देव है, इनकी भेड़ की सवारी है। देखिए ये रावण का वध करने के पश्चात जब राम लक्ष्मण को पताल चलाने वाले बजरंगबली, आप यहाँ पे खड़े हुए पाएंगे, बाहर लेटे हुए पाएंगे। जी जी, अब क्यों पाएंगे? भगवान राम को जब आय रावण ने वध करने के लिए पतालपुरी ले गए थे, तब बजरंगबली पतालपुरी जा करके आय रावण का वध करके राम और लक्ष्मण को पताल से लाए थे। जब यहाँ से वो जाने लगे तो उनको वहाँ थकान सा महसूस हुआ, तो वहाँ पे वो जो है सोचे कि थोड़ा सा बैठ लें, बैठे बैठे उनको निंद्रा आ गई तो वो लेट गए, तब से वो कहलाने लगे बड़े हनुमान जी। अच्छा, लेटे हुए हनुमान जी कहलाने लगे। चलिए ठीक है, तो मनकामेश्वर महादेव, ये मनकामेश्वर महादेव जो कि उस पार भी हैं क्या? हाँ, ये सरस्वती के उस पार है, ये मनकामेश्वर महादेव, ये मनकामेश्वर महादेव हैं जो कि इनका एक पवित्र स्थान भी वहाँ पर। राम सीता लक्ष्मण जब वन को जाने लगे यहाँ से जब उनका जो प्रस्थान हो रहा था जी, उस वक्त का शेषनाग, अगल बगल शेष कन्या, बीच में शेषनाग, यमुना नदी में जब इनका वो हुआ था विशाल, ये रहते थे तो विशाला वृक्ष पानी रहा, तो सब श्री कृष्ण भगवान नृत्य करते करते कालिया नाग कहीं भी आप जोड़ नहीं पाएंगे, ये कालिया नाग है, ये किसी भी मूर्ति में आप जोड़ नहीं पाएंगे, न टूटा पाएंगे, न फूट। अच्छा, सब सिंगल पत्थर पे पाएंगे, सिंगल पत्थर पे ही मूर्ति बनी हुई है जी, कहीं जोड़ कहीं तो कहीं भी नहीं। देखिए आप खुद देखिए, हाँ, सिंगल पत्थर में है जो है शेषनाग हैं, जो जैसा कि इन्होंने बताया कि बाल लीला में जब भगवान श्री कृष्ण की गेंद यमुना में चली जाती है तो उस समय जो नागनाथन उन्होंने किया तो वही कालिया नाग है, उनकी जो है यहाँ पर आकृति जो है उकेरी गई है। ये कौन है? दूधनाथ बाबा दूध पुत्र को देने वाले दूधनाथ। अच्छा, दूध पुत्र को देने पहला दर्शन धर्मराज का होता है जी जी, अंतिम जो था यमराज का होता है। अच्छा, ये अंतिम दर्शन, ये जो बालक जन्म लेता है तो धर्म के रास्ते जन्म लेता है जी जी जी, और जब जाता है तो यम के रास्ते जाता है। अच्छा, यम के द्वारा यम के रास्ते जाता है। तो ये यमराज है, यमराज, ये 44 मूर्तियों का दर्शन आपका हुआ। अब आप आइएगा, हम आपको पतालपुरी जो कामकूप है उसको दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, कामकूप। चलिए, ये अब हमें जो यहाँ के पुजारी जी हैं हमें लेकर चल रहे हैं कामकूप नाम का जो स्थान है, तो हम चलेंगे कामकूप। जैसा कि अभी हम आपको अवलोकन करवाएंगे कामकूप कैसा दिखता है, किस तरह है ये। अच्छा, तालाब था ये देखिए, ये पंडित जी हमें क्या जितना भी जल जाएंगे, हाँ हाँ, जल ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, सब जल नीचे जाएगा, सीधा सरस्वती में मिलता है यमुना गंगा के बीच में, जल जो यहाँ डालेंगे हाँ, वो सीधा वहीं चला जाएगा। अंदर देखेंगे पूरी आवाज आपको दिखाई देगी, ये देखिए किस तरह आवाज आ रही है, देख सकते हैं धारदार पानी यहाँ पर जो है डाल रहे हैं, ये किस तरह से आवाज आ रही है।
ऐसा लगता है कि इसके नीचे जो है एक कूप है और ये पहले जो है कूप बना हुआ था जोधा पटवाया नहीं गया है। हाँ, ये पटवाया नहीं गया, ढकवाया गया है। ढकवाया गया है यानी कि ये कूप था ढका हुआ। हाँ, वही जोधा अकबर के समय का। अच्छा, जोधा बाई के समय पे, जो जोधा बाई के समय पे ये कूप था, तो फिर अकबर ने इसको जो है ढकवाने का काम कर दिया। हालांकि ये कूप है अभी वर्तमान में भी है, जैसा कि इन्होंने बताया, और इससे पहले भी इंटरव्यू में इन्होंने पहले ही बताया था कि काम कूप नाम का एक यहाँ पर जो है कूप है, जिसमें पहले लोग इस वट वृक्ष पर चढ़कर कूदा करते थे। ये वही जगह है जिसमें वही कुआं है, यही वही कुआं है। ये सूरज सती काम को बोला जाता है, जहाँ पर जल डालिए तो सीधा जल वो सीधा आपका गंगा यमुना सरस्वती के बीच में मिलता है, जाके मिल जाता है जी। ये जो जल चढ़ता है छावर में शंकर जी में जी, पूरा जल ये आपका यहाँ वहीं जाके मिलता है। जैसा कि ये पुजारी जी हैं, और इन्होंने हमें जो राजा अकबर का किला है उसके अंदर जो अच्छा बैठा है और जो इसके अंदर दार्शनिक जो स्थान है, तो उसके बारे में इन्होंने निरंतर हमें अवलोकन करवाया, दिखाया कि एक एक जगह जो भी है, सारी जगहों का इन्होंने हमें अवलोकन करवाया, और हम आपको भी दिखा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक सुंदर और बहुत ही भव्य, बहुत ही अलौकिक नज़ारा। ये देख लिया, अब ये हम ये वापस निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ये वापसी मार्ग है जी, ये वापसी मार्ग। ये अभी यहाँ पर लेके नीचे आए थे, वो प्रवेश द्वार है और ये निकास द्वार है। अब हम बाहर आ गए, बाहर। अच्छा, अब हम बाहर आ चुके हैं। अब ये पूरा वृक्ष है, ये वही वृक्ष है जिसका हम नीचे से अवलोकन कर रहे थे। ये देख लीजिए, ये वही वृक्ष है जिसका अभी हमने हाल ही में आपको नीचे अवलोकन करवाया, जो कि अक्षय वट के नाम से ये वृक्ष जाना जाता है। इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे हैं, और अभी हमने दिखाया भी कि नीचे इसकी जड़ें किस तरह हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा आकर्षक अगर स्थान है तो वो यही है अक्षय वट वृक्ष। अक्षय वट वृक्ष की बात करें तो अपने आप में बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दुर्गम और बहुत ही भव्य है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसका जो इतिहास है बहुत ही पुराना, जैसा कि पुजारी जी ने अभी बताया कि इसका जो इतिहास है अकबर काल से चार युगों का है। चार युग से है ये, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग चल रहा है ये। अगर हम बात करें तो जैसा कि राजा अकबर के किला में हम मौजूद हैं, तो इसमें और ऐसी कौन सी जगहें हैं या इसकी और क्या विशेषता है, और यहाँ के प्रमुख स्थान क्या है जो प्रमुख स्थान? सर यही है बस, बस ये अच्छा सतयुग से चला आ रहा है, सनातन धर्म से चला आ रहा है। चीन के हांगकांग 600 कुछ ईस्वी में आए थे, उन्होंने इस चीज़ को माना कि असली अक्षयवट मूल जल पतालपुरी मंदिर के अंदर है। जो वो आप अक्षयवट कह रहे हैं, वो अक्षयवट जब जैन धर्म आए थे, दिगंबर जैन आए थे, तो जैन धर्म को स्थापना करने के लिए उस वृक्ष के नीचे अपने पूजा पाठ किए थे, तब से उनको दिगंबर जैन के नाम से जाना जाता है। ये अक्षयवट मूल जड़ ही है। तो देखा आपने कि हमने आपको आज प्रयागराज यमुना तट के किनारे बने महाराजा अकबर के किले का पूरा अवलोकन हमने करवाया। यहाँ पर प्रमुख स्थान कौन है, और साथ ही हमने आपको अक्षय वट के दर्शन करवाए। अक्षय वट की बात करें तो अक्षय वट यहाँ का सबसे बहुत ही भव्य, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही विचित्र, बहुत ही एक प्रकार से कहें सुंदर अलौकिक स्थान है अक्षय वट, जो लोगों के और दर्शनार्थियों के जो आकर्षण का केंद्र बनता है। तो बहुत सारी इस तरह की खबरें हैं, तो हमारे साथ इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए दर्शक न्यूज 24। दर्शक न्यूज 24 के लिए मैं आर के साथ हर खबर आप तक।